कहाँ से आई हैं? ग्रेटर नोएडा से ही आई हूँ बेटा। क्या भाई हो? क्या भाई? अभी आई थोड़ी देर पहले। अच्छा अभी आई हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। किसको देखने आई हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी को। जानती हैं आप उन्हें? कहाँ सुनी थी पहली बार उनको? उनकी रोज कथा सुनते हैं। अच्छा कथा सुनते हैं। ये लक्ष्मण के अवतार हैं, सुन लीजिए। और ये 30 साल, ये 3 साल के अंदर ये राजयोग में राजा बनना इनका निश्चित है। ये लक्ष्मण के अवतार है और मुगदर का राज होगा। अभी तक कभी धनुष का राज हुआ है, कभी तीर कमान का राज हुआ है, मुगदर का गदा का राज नहीं हुआ है। और अब ये 3 साल के अंदर अंदर गदा का राज होने वाला है। धरती का 9वां हिस्सा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप। नमस्कार, चलिए एक बार आपको फिर से कुछ फुटेज दिखाते हैं, कुछ हुजूम दिखाते हैं बाबा के भक्तों का। तुषार एक बार कैमरा घुमाइए इस तरफ कैमरा घुमाइए, आपको पता चलेगा कि बाबा का हुजूम चाहे मेरे लेफ्ट हैंड हो चाहे मेरे राइट हैंड हो, इसी तरीके का है। और जो अभी हुजूम है ये भक्तों का, ये बढ़ता ही जा रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे अगर तो यहाँ संतों का एक जमावड़ा है जहाँ पर संत मौजूद है। चलिए हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महंत भी आए हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कब आए हैं, क्योंकि अभी बाबा को आने में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का समय है, तो हम कोशिश करते हैं इन्हीं से बातचीत करने का। पंडित जी कहाँ से आए हैं आप लोग? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं बागपत मेरठ से आया हूँ। अच्छा। और स्वयं भी कथावाचक हूँ। अच्छा। तो आज पूज्य आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने और उनके चमत्कार को देखने के लिए आज मैं भी चल के आया हूँ। वस्तुतः पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज पूरे विश्व में एक सनातन की एक ध्वजा को लहरा रहे हैं, और ये एक ऐसा चेहरा है, ऐसा उज्जवल चरित्र है कि जिसका मन वचन और कर्म वो तीनों जो है श्री हनुमंतमय हैं। वो जो मन में रखते हैं वही वाणी से कहते हैं, और जो वाणी से कहते हैं वही वो करके दिखाते हैं। तो जैसा कि उनका प्रसिद्ध है, चमत्कार तो बहाना है, वास्तव में तो पूरे विश्व को हनुमान जी का बनाना है। अच्छा ये बताइए, बाबा जी तो आ रहे हैं, मैं पूछना तो वैसे नहीं चाहता लेकिन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, इसके पहले बाबा जी मध्य प्रदेश में थे या कह लीजिए बिहार में थे, जगह जगह गए, लेकिन कुछ ऐसा तबका है जो लगातार बाबा को रोकने का प्रयास करता है, लगातार वो ये कोशिश करता है कि बाबा तो एक प्रकार के ढोंगी हैं, 25 साल में कौन सी उनके पास सिद्धि प्राप्त हो गई उनको, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था ये पूरा मामला, और अभी भी ये चली रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, उनका काम है निंदा करना जी। उन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा तो ये तो हनुमंत के शिष्य हैं, तो इनको कैसे छोड़ेंगे? किंतु हनुमंत की तरह लंका में रोकने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए गए। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी, जाने उ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो लंकिनी ने अपना परिचय दिया, किंतु हनुमान जी ने भी मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरणी धनमनी, जैसे ही मुठिका का प्रहार किया तो वो जो है उसके स्वर बदल गए। तो अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, तो उनके मुंह पर तमाचा धीरे धीरे लग रहा है, और धीरे धीरे वो भी लंकनी की तरह फिर बाद में ऐसे ही हो जाएंगे। नाम लंकनी, वो पहले निशिचरी थी, फिर कहते वही लंकनी बाद में कहती है हनुमान जी का सत्संग पाने के बाद, वो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, वो कहती है मेरा पुण्य नहीं है, मेरा अति पुण्य नहीं है, मेरा अति बहुत पुण्य है, जो मैं आज हनुमंत लाल के चरणों में आ गई हूँ। नहीं, विरोधी तो ये कहते हैं कि बाबा जी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, और हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, बड़ा विवाद रहता है इन सब चीजों को लेकर के। विपक्ष कहता है कि ये बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये हैं वो हैं, ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आती है कि सनातन में ये कुछ तबका ही नहीं, ये तो लगभग सभी लोग आ जाते हैं इसमें। फिर देखिए कोई कहेगा कांग्रेसी है, कोई कहते हैं भाजपाई है, कोई कहेंगे बसपाई है, कोई कहेंगे सपाई है, किंतु बात यह है कि हम तो सीधा सा फंडा रखते हैं,
जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे वो किसी दल से हो। तो यदि वो राम का है, यदि वो राम का है तो हम विभीषण को भी स्वीकारेंगे, और यदि वो राम का नहीं है तो हम मंथरा को भी शत्रुघ्न की तरह लात मार देंगे। तो जो बात है, अब मुगधारी का राज ये शास्त्र हिंदू के शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये लक्ष्मण के अवतार हैं सुन लीजिए, और ये 30 साल, ये 3 साल के अंदर ये राजयोग में राजा बनना इनका निश्चित है। ये लक्ष्मण के अवतार है और मुगधर का राज होगा। अभी तक कभी धनुष का राज हुआ है, कभी तीर कमान का राज हुआ है, मुगधर का गदा का राज नहीं हुआ है, और अब ये 3 साल के अंदर अंदर गदा का राज होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, धरती का 9वां हिस्सा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि महाराज भरत को धरती का 9वां हिस्सा मिला था और भारत के नाम पे ही भारत नाम पड़ा है, तो इसको हिंदू राज बनाने का कोई सवाल ही नहीं था। क्या राम मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, कृष्ण मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, और जो तमाम राजा हुए हैं, लाखों राजा हुए हैं, उनमें से कौन मुसलमान था? ये तो अक्रांता मुसलमान बीच में आए और उन्होंने वर्चस्व, और वो भी पूरे भारत में राज नहीं किया, उन्होंने कुछ हिस्सों में राज किया है, जैसे महाराष्ट्र राजस्थान में उन्होंने राज किया क्या? नहीं किया। ऐसे बहुत गिने चुने, महाराणा प्रताप खड़े थे, गिनी चुनी जगह में उन्होंने राज किया। और वो तो हमारे जो जयचंद ने अंग्रेजों की नाजायज पैदाइश, जो इस्लाम का समर्थन करते हैं, ये हिंदुओं की पैदाइश नहीं है, इनकी अम्मा जो है उन्हीं से लगी। नहीं जाने दी, अब शब्द मत यूज करिए, नहीं अब शब्द नहीं है, ये नाजायज पैदाइश वर्ण संकरी है, इसको नाजायज नहीं कहते हैं, ये वर्ण संकरी औलाद है, इसलिए इनके रक्त में वही है, इसलिए वो बोलते हैं। पहले भी जयचंद थे, पृथ्वीराज चौहान को किसने मरवाया? जयचंद ने मरवाया। तो उसी प्रकार के ये आज उन्हीं जयचंदों की औलाद है। चलिए तुषार, हम बाबा जी आने वाले हैं और हम उनको देखते हैं, कवर करते हैं, आपने सुना। अच्छा ये बताइए, आप लोग अब जितना दिन तक ये सब चलेगा आप यही रहेंगे? जी मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा सुबह नित्य कर्म इत्यादि होता है, तो मैं तो नित्य ही बागपत जाऊंगा और नित्य आकर के कथा श्रवण करूंगा, ऐसी इच्छा है। तो बालाजी सरकार जैसा भी कृपा करेंगे, आदेश करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जरूर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग यहीं रहेंगे जी? अच्छा, भोजन की व्यवस्था कैसे है, क्या है, कुछ है वो व्यवस्था? भोजन का व्यवस्था जो है, घी की पूरी भोजनशाला में चालू है। अच्छा। सुबह शाम लोग वहाँ जाके भोजन करते हैं, क्योंकि अभी आपने पहले कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा गलत फैलाते हैं, लोगों पे प्रभाव गलत पड़ता है। मैं रामायण से उन्हें जोड़ते हुए एक प्रसंग याद दिलाते हुए आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि जब हनुमान जी ने स्वयं बंधना स्वीकार किया और रावण के सामने पेश किए गए, तो रावण जो है त्रिभुवन विजयी लंकेश्वर, उसे अपने नाम पे घमंड था जी। तो हनुमान जी ने जब उन्हें शरणागति कहा कि आप भगवान के शरण में चले जाइए माता सीता को आगे रखकर, तब उसने एक शब्द कहा था कि क्या हम त्रिभुवन विजय लंकेश्वर और आज एक बानर हमें ज्ञान दे रहा है। तब हनुमान जी ने एक बहुत ही मीठे स्वर में उसे एक छोटी बात और बहुत बड़ी बात कही थी, क्या कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ले लेना चाहिए, चाहे वो बानर दे रहा हो या कोई राजा दे रहा हो। तो मैं इस कथन से उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें ये लगे कि महाराज जी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो हित में है वो उनसे लें, और जो ये कहते हैं वो महाराज जी की कथा नहीं सुनते, क्योंकि महाराज जी पहले ही ये कह देते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। और मैं आप सब जितने भी बड़े हैं और जो ये कहते हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जय श्री राम के नारे लगाने से हम भाजपाई हो जाते हैं? इसका ये मतलब नहीं कि हम जय श्री राम कहते हैं तो हम भाजपा को वोट करेंगे, वोट हमारा मतदान है और राम की भक्ति करना हमारे रग रग में है, हमारे खून में है। जितने भी हिंदू हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि मस्तक पे तिलक लगाएं, लोगों को सही राह दें, माँ बाप की सेवा करें, परिवार से जुड़े रहें और भगवान से भी जुड़े रहें, क्योंकि परिवार से जुड़े रहेंगे तो यहाँ खाना मिलेगा, भगवान से जुड़े रहेंगे तो वहाँ जाना मिलेगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आपका भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप खुद ही भ्रमित ना हो, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं कि आप अंधविश्वास पे भरोसा ना करें,
और किसी से ना करवाएं। इसी के साथ जय श्री राम। बाबा जी के आने में अभी 10 मिनट का समय है और हम यहाँ के श्रोताओं से, यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे कि हमें एक बेहद खूबसूरत और बहुत मनोरंजक चीज़ दिखाई दी, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है। भाई ने बनाया है, हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? विवेक सोलंकी। कहाँ से आए हो? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से कब आए? मेरे को, मैं 1 बजे आया हूँ, मेरा पास खो गया। ये तस्वीर कौन बनाया है? मैंने। आपने बनाया है? क्या सोच के बनाया तस्वीर ये? सोचा तो कुछ नहीं था, बाबा आए, मेरे आसपास में जितने भी गेस्ट आते हैं मैं पास वगैरह बनवा के आता हूँ और उन्हें गिफ्ट कर दूँ। अच्छा, आप ये गिफ्ट करेंगे बाबा जी? योगी जी को भी करा है। अच्छा, और अपने आसपास के पीएम, मतलब सॉरी सीएम, और नाम क्या बताया आपने अपना? विवेक सोलंकी। अच्छा, एसडीएम और डीएम वगैरह सबको गिफ्ट कर रखा है। अच्छा, ये तस्वीर शौकिया बनाते हैं या बाबा जी से प्रभावित हैं कुछ चीज़ों को लेकर? प्रभावित हैं, क्यों नहीं, बाबा के भक्त हैं। बाबा के भक्त हैं, इसीलिए बाबा से प्रभावित होकर तस्वीर बनाए। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, हम ये कहना चाहेंगे आपको। थैंक यू। और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस बाबा के लिए कुछ संदेश हो तो कह दीजिए। एक बार बस ये मिल जाए, मतलब एक बार वो बस दूर से आशीर्वाद भी दे दे, इसे देखते हो तो भी काफी है। वैसे आप ये देने जाएंगे ना तो आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। पास खो जाता, अगर मेरा पास खो गया नहीं, मैं उनसे मिल भी लेता। एक बार आप मेरे पीछे से कैमरा घुमाइए। अभी 15 मिनट पहले पीछे का वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा तुषार, पीछे का वो जगह आप दिखाइए, वो पूरी तरीके से खाली था, लेकिन अभी मुश्किल से 15 मिनट हुआ है और पूरा पूरा पंडाल भक्तों से खचाखच हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ जो बाकी दोनों पंडाल लगे हुए हैं वो सबके सब भर चुके हैं। कूलर का कोई मतलब नहीं रह गया है, कूलर से कोई मतलब नहीं है, इतनी गर्मी है यहाँ, क्योंकि भक्त इतने आए हैं कि इतने हजारों कूलर लगे हैं लेकिन वो नगण्य मान के चलिए, उनका उन कूलरों का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे पीछे बाबा का स्टेज आप देख सकते हैं, ये बाबा का, जहां बाबा अभी आएंगे, विराजमान होंगे, 10 मिनट के अंदर बाबा जी यहां पर आ जाएंगे और हम आपको बाबा जी से मिलवाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सबसे पहले बाबा जी से मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।